दोस्तों तकरीबन तकरीबन 45 किलोमीटर सॉरी सॉरी दोस्तों तकरीबन तकरीबन 45 मिनट के टाइम के बाद अब हम जाके पहुँचे हैं रतिकली लेक पे। दोस्तों 45 किलोमीटर के फासला तय करना, किलोमीटर कहाँ से आ गया यार, सॉरी 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 सॉरी, कट 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 कट। दोस्तों 45 मिनट का टाइम लगा है हमें रतिकली लेक तक पहुंचने में, और ये देखिए कितनी खूबसूरत औसम है रतिकली लेक। ये सारी रतिकली लेक काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से, और सूरज की रोशनी जो पड़ रही है ना उससे तो काफ़ी निखार आ रहा है पहाड़ों में। ये जो ग्लेशियर सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा है ये साइज़ में, काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसकी, इस ग्लेशियर की। और पानी है हल्का हल्का सब्ज़ और नीला मिक्स है, तो कलर मैं काफ़ी इसका बता नहीं सक रहा, मेरे ख्याल से फिरोज़ी टाइप इसका कलर है, काफ़ी अच्छा कलर है। और हमारे इर्द गिर्द सारा ऐसे सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, काफ़ी खूबसूरत लाल लाल से छोटे छोटे से फूल भी उगे हुए हैं इर्द गिर्द, और माहौल काफ़ी अच्छा है। हल्की हल्की ठंड भी है और थोड़ी थोड़ी तेज़ धूप भी यहाँ पर मिल रही है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है यहाँ पर, वो मुंह पे बहुत सारा लोशन लगा के आए हैं, मेरे ख़ास से शायद यहाँ पर पहुँच के स्ट्रेट जो मुँह पर धूप पड़ती है उससे रंग काला हो जाता होगा इस वजह से, तो हमारा तो पता नहीं कि रंग काला हुआ है नहीं हुआ, ये नीचे जाके पता चलेगा। काफ़ी खूबसूरत मकाम है ये रतिकली लेक, और आप लाजमी आए, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, इंतहाई खूबसूरत है और VIP माहौल है। छोटे छोटे बच्चे देखे हैं मैंने घोड़े की सवारी करते हुए आ रहे हैं, वो आप घोड़े पर आ जाएं तो बेहतर रह जाएगा, 500 रुपये रहता है घोड़े वाला आने जाने के, तो वो फिट रह जाएगा आप अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो ज़बरदस्त है, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। कश्मीर जब भी आएँ आप इसको अपने शेड्यूल में लाजमी रखिएगा रतिकली लेक को, और कमाल की जगह है। जो रास्ता हम जीप ट्रैक करके आए हैं वो थोड़ा सा है हिचकोले वाला, वहाँ पे झटके लगते हैं लेकिन वो बेरेबल है, कोई इतना नहीं। इस जगह को देख के आप हर चीज़ भूल जाएंगे, सुकून ही सुकून मिलेगा आपको, और काफ़ी लुत्फ आने वाला है, काफ़ी VIP जगह है। मैं सबसे पहले आ गया और मेरे जो तीन दोस्त हैं वो पीछे रह गए हैं, वो मुझे लगता है इतना ख़ास नहीं चल पाया उनकी, ना इतनी प्रैक्टिस थी शायद, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके इश्क इसकी मोहब्बत इसकी कशिश खींच चाहिए, मैं बहुत जल्दी, लेकिन मुझे यहाँ खड़े हुए भी 10-15 मिनट हो गए हैं तो मैं काफ़ी जल्दी, और मैंने अच्छी खासी वीडियोस भी ले लिए हैं, तस्वीर भी ले ली हैं, और मज़ीद भी लेता रहूँगा जब तक दिल नहीं भरता मेरा। और हमें यहाँ पर ठहरने के तकरीबन 1 या 2 घंटे मिल चुके हैं जीप वाले की तरफ से, कि भी आप यहाँ पर आराम से अपनी जो भी फोटोग्राफी ड्रोन शॉट्स या तस्वीर लेने ले लें, 2 घंटे के बाद आप नीचे आ जाएँ तो हम वापसी का सफ़र करेंगे। तो ये है यहाँ का रूटीन, यहाँ की खूबसूरती और प्यारे मनाज़र, मज़ीद मैं आपको इसके मनाज़र दिखाता रहता हूँ वक्तन फवक्तन दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों रतिकली झील तकरीबन 12,130 फुट की बुलंदी पर वादी नीलम आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में अल्पाइन बर्फानी झील है। ये तकरीबन सारा साल ग्लेशियर से घिरी रहती है
और ये ग्लेशियर्स झील में पानी का जरिया है। दोस्तों अगर आप भी इस खूबसूरत तरीन रत्ती गली लेक पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आज़ाद कश्मीर में इंटर होना पड़ेगा और मुजफ्फराबाद क्रॉस करके आप या तो कैरन में होटल ले लेंगे या तो आप दवारियाँ चले जाएंगे। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप दवारियाँ में अपना होटल ले लें क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा आपको रत्ती गली लेक के। और यहाँ से सुबह सवेरे या रात में ही आपने यहाँ से 4x4 जीप्स बुक करा लेनी है। तो इनके मुख्तलिफ किस्म के किराया जहाज चलते रहते हैं, तकरीबन 8000 भी लेते हैं, 9000 भी लेते हैं यहाँ के सफ़र का। तो तकरीबन 10 से 12 बंदे इस जीप में आराम से बैठ सकते हैं और ये रत्ती गली लेक और यहाँ से दवारियाँ का जो रास्ता है ये तकरीबन 18 किलोमीटर का रास्ता है जो कि आप बआसानी 1.5 से 2 घंटे में तय कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने कैरन से स्टार्ट करेंगे अपना सफ़र रत्ती गली लेक तक का तो उसमें आपको चार्जेस भी ज़्यादा पड़ जाएंगे और दूसरा वक्त भी ज़्यादा लग जाएगा, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे आपको कैरन से और रत्ती गली बेस कैंप तक पहुंचने में। दोस्तों इसका जो ये रास्ता है ये अगस्त में खुलता है, इस पे से ग्लेशियर हटा दिए जाते हैं और रास्ता बिल्कुल ओके कर दिया जाता है और ये तकरीबन अक्टूबर के वस्त में ये रास्ता दोबारा से ग्लेशियर्स की वजह से बर्फ़बारी की वजह से बंद हो जाता है। तो ये 2.5 महीने होते हैं इस हसीन तरीन खूबसूरत तरीन लेक जो आज़ाद कश्मीर की ये कही जाती है और है भी, और ये जन्नत का एक टुकड़ा माना जाता है। ये लेक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है तो इसको आप विज़िट करने के लिए आपके पास सिर्फ 2.5 महीने होते हैं तो बहुत कमाल की जगह है, आप ज़रूर आइएगा। और अगर बेस कैंप की यहाँ पर बात की जाए कि रत्ती गली जो बेस कैंप है वहाँ पे क्या सहूलियात आते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी तादाद में कैंप साइट देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा कैंप्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं जो आपको मुख्तलिफ प्राइसेस पे मिल जाएंगे, रेंट पे 500 से शुरू हो रहे हैं ये, या आप अपना भी कैंप यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे अवेलेबिलिटी की तो यहाँ पर बिस्कुट चाय बोतल अवेलेबल है, रेट्स मैंने पता नहीं कि थोड़े से ज़्यादा होंगे, साफ ज़हर है और पानी भी मिल जाता है, लेकिन आप अपना पानी ज़रूर लेके आएँ ट्रैक करते हुए, पानी की ज़रूरत पड़ती है, शिद्दत से प्यास लगती है पानी की तो पानी लाजमी साथ लेके आएँ और थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह जो उठा सकें आप उठा सकते हैं यहाँ पर लेके खा सकते हैं। लेकिन 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 गंद बिल्कुल यहाँ मत फेंकना, ये भी हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा पूरा वतन है, हमारा घर है, जैसे हम घर को साफ रखते हैं तो हमें चाहिए कि रत्ती गली लेक और इस तरह की कई लेक्स हैं पाकिस्तान में काफ़ी सारे सयाहत की खूबसूरत मकामात हैं उनको बिल्कुल गंदा नहीं करना और उनको जितना हो सके साफ़ रखें। ये हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना फ़र्ज़ है इसको साफ़ रखना। इस जैसे आप शॉप पर बोतलें या स्नैक्स यहाँ पर जिस शॉप में लेके आ रहे हैं उसी शॉप में आप उसको वापस भी ले जा सकते हैं और उसका वज़न भी वो नहीं रहेगा क्योंकि वो यहाँ पर आप खा चुके होंगे सामान। तो कोशिश करें अपने ऊपर भी एहसान करें और आने वाली कौम पर भी एहसान करें कि गंद ना करें। आपने तो यहाँ पर इस जगह कर आके मज़ा ले लिया ना, अगलों के लिए तो इसको तबाह मत करें। प्लीज़ कोशिश करें कि यहाँ गंद ना फैलाएँ और अच्छे सयाह की तरह यहाँ पे अच्छा बर्ताव करें इन झीलों के साथ, इन खूबसूरत शहर गाँव चरागाहों के साथ, इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ अच्छा सलूक करें और गंद बिल्कुल मत फैलाएं। ये मेरे ऊपर और इस कौम पे आपका एहसान होगा। अपना और अपना ख्याल रखें और इस जगह का भी ख्याल रखें दोस्तों। तो ये देखें जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये काफ़ी डस्ट यहाँ पे है और लोग यहाँ पे काफ़ी, मैंने कचरा देखा ऐसा लग रहा जैसे किसी कचरा कुंडी में मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी कचरा मुझे देखने को मिला और काफ़ी तकलीफ़ हुई और अफसोस भी हुआ कि यार लोग ध्यान नहीं देते और यहाँ के लोकल्स भी ध्यान नहीं दे रहे कि वो इस कचरे को नहीं उठा रहे। अब ये देखें ये कचरा है, ये अब किसी ने खा के ना यहाँ फेंक दिया। अब इतने खूबसूरत यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे होंगे आप, ये देखें कितने प्यारे फूल हैं और इनके साथ ये कचरा पड़ा हुआ है तो कैसा फील हो रहा होगा, काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ख्याल करें यार, अब अपना भी ख्याल करें, अपने इलाके का भी ख्याल करें और औरों के इलाके का भी ख्याल करें और यहाँ सैर व सियाहत को जितना हो सके आप उसको ग्रोथ में आप हेल्प करें ना कि उसको बर्बाद करें। जितना गंद फैलाएँगे ये बर्बाद हो जाएगी जगह, इतनी खूबसूरत शानदार जगह है, मेहरबानी करें, ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर खाने पीने की आपको तकरीबन तमाम चीज़ें ज़रूरियात की मिल जाएंगी, पानी भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होगा। तो ये अच्छा रह जाएगा अगर आपने वहाँ पे स्टे करना है बेस कैंप में तो आप अपने इधर ही दवारियाँ से कुछ सामान परचेज़ करके ले जाएँ और वहाँ पर कुकिंग कर लें, या अगर आपने स्टे नहीं करना तो हल्की फुल्की खाने के स्नैक्स वगैरह मिनरल वाटर वगैरह ले जाएँ साथ ही और वहाँ पर पूरा दिन गुजार के रत्ती गली लेक पर वापस अपने
सवारियां में जहाँ पे आपने होटल बुक किया हुआ है वहाँ पर आके अपनी रात स्टे करें। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास, आप जो करें। तो रत्ती गली बेस कैंप में आपको वाशरूम्स भी मिल जाएंगे और उसके बाद आपका सफ़र स्टार्ट हो जाएगा रत्ती गली की लेक की जाने। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको दो तरीके हैं, 2 किलोमीटर का ये रास्ता है। तो पहला तरीका है खच्चर पे आप जा सकते हैं, तो खच्चर वाले आपसे 500 ले लेंगे और वो आपको 20 मिनट में रत्ती गली लेक तक पहुंचा देंगे, 20 से 25 मिनट में। और दूसरा तरीका है पैदल जाने का, तो पैदल जाने के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता है। जो चल सकते हैं, जो हल्की फुल्की ट्रैकिंग करते रहते हैं उनके लिए तो ज़बरदस्त है, नए बंदों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये तकरीबन आपको 35 से 40 मिनट लग जाएंगे रत्ती गली लेक तक पहुंचने में अगर आप पैदल जाएंगे। तो वहां पर वाशरूम बिल्कुल नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है। और अगर खाने पीने की बात की जाए तो वहां पे लोकल्स छोटे छोटे से बच्चे मुझे देखने को मिले जो चाय, कहवा और बोतल और स्नैक्स वगैरह वहां पे सेल कर रहे होते हैं, तो वो आप वहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे खुल के वहाँ पे इंजॉय करें, रत्ती गली लेक पहुँच कर आप वहाँ के नज़ारों को ऑब्ज़र्व करें और तस्वीर लें, वीडियोग्राफी करें। तो तकरीबन आपको जीप वाले जो वहाँ पर अगर आप एक दिन के लिए बुक करते हैं जीप, तो वो आपको 2 से 3 घंटे देंगे जिसमें आपने पहुँचना भी है रत्ती गली लेक पर और वापस भी आना है। तो उन 2 से 3 घंटों को आपने यादगार बनाना है, फुल एंजॉय करना है और अपने खूबसूरती को समेट के आना है जो रत्ती गली लेक में आपको दिखेगी। दोस्तों अगर रत्ती गली के रास्ते की बात की जाए, जो दवारियाँ से लेकर 18 किलोमीटर का रत्ती गली बेस कैंप तक का रास्ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ही छोटा सा दुबला पतला सा रास्ता है। तो इस पर 4x4 ही जा सकती हैं, आप अपनी गाड़ी को तकलीफ़ मत दीजिएगा। गाड़ियाँ इतना सख्त ट्रैक नहीं कर सकती हैं जो हमारी आम गाड़ियाँ होती हैं दोस्तों, तो आप जीप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर कुछ बाइकर्स भी जाते रहते हैं, बाइक्स पर भी जा सकते हैं आप, लेकिन वो भी टफ़ टाइम जॉब है, मैं तो आपको जीप का ही प्रेफर करूँगा। तो 18 किलोमीटर का रास्ता और काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी प्यारे नज़ारे हैं इस रास्ते में और काफ़ी ज़्यादा आपको चश्मे देखने को मिलेंगे और हद से ज़्यादा ग्लेशियर यहाँ पर मौजूद होते हैं। दोस्तों अगर रत्ती गली लेक पर सफाई की बात की जाए, तो यहाँ पर जो लोकल्स वहाँ पर घूम फिर रहे होते हैं रत्ती गली लेक साइड पर, तो वहाँ पर वो डेली बेसिस पे भी कचरे को इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वीकली बेसिस पर भी इसकी सफाई का एहतमाम किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें भी चाहिए कि हम जब भी रत्ती गली लेक पर जाएं, तो जो भी सामान लेके जाएं, तो स्नैक्स वगैरह खा पी के जो भी चीज़ें, तो वापस उसी शॉपर में लेके वापस आएँ। दोस्तों रत्ती गली लेक से एक पैदल रास्ता भी निकलता है जो कि नारान कागान वादी की तरफ जाता है और इस रास्ते पर तकरीबन 5 झीलें आपको देखने को मिलेंगी।